ये हमारा एकदम थिक आएगा, ये मलाई रहती है इस तरह का, हम मलाई डालते हैं इसके ऊपर। और ये क्रीम है ये जो फीकी रहती है, ये देता है जेबी जी का ये है। और इसमें 50 से 55 ग्राम हम एक पैकेट पूरा गोले में डाल देते हैं हमें से, उसमें खाली रोस्टेड और आलमंड। हेलो फूडीज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ईट ब्लॉग एंड रिपीट में स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हो, अहमदाबाद में गर्मी दिन ब दिन बढ़ने वाली है और अभी बढ़ी रही है, और जैसे कि अभी रात को भी अभी 36 डिग्री हो रहा है। तो इसी कारण से अभी हमने एक नई सीरीज़ का सोचा है, उस सीरीज़ का नाम है गर्मी भगाओ सीरीज़। उसमें हम आपको ऐसी ऐसी जगह रेकमेंड करेंगे जिस जगह पे आप जाओगे और अगर उसका फूड आप खाओगे तो थोड़ी बहुत आपको गर्मी में ठंडक का एहसास होगा। तो आज ऐसी जगह की हम फर्स्ट वीडियो ये सीरीज़ की शूट करने वाले हैं, और उस जगह का नाम है भवानी ड्राई फ्रूट डिश गोला। इनकी जो मेन ब्रांच है वो राजकोट में है, पर इन्होंने अभी अभी ये अहमदाबाद में भी खोला है। तो अगर आप ये गोला डिश खाओगे तो उससे आपको थोड़ा बहुत ठंडक तो मिल ही जाएगा। तो ये सीरीज़ का पर्पस ये है। तो आप ज़रूर कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये सीरीज़ आपको कैसी लगी। और हाँ, आप हमें सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, वो जो लाल वाला बटन है उसको दबा दीजिए, और बाजू में बेल नोटिफिकेशन है उसको भी दबा दीजिए। और अभी मेरी स्क्रीन पे इंस्टाग्राम और फेसबुक का आईडी भी आ गया होगा, और वो दोनों की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप हमें वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। और इस जगह का गूगल मैप लोकेशन है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। अंदर का इनका एम्बियंस है जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा क्लीन है, और इन्होंने कैप भी पहनी है, हाइजीन का पूरा मेंटेन करते हैं ये लोग। इनके ये सब फ्लेवर से अलग 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 देख सकते हो, कितने सारे फ्लेवर्स है और सब फ्रेश है। यहाँ पे टोकन सिस्टम भी है जैसे कि आप देख सकते हो, आप जब ऑर्डर दोगे तब ये ऐसा टोकन दे देगा आपको। और ये इनका पूरा मेनू है जैसे कि आप देख सकते हो, और 100 रुपीज़ से चालू हो के पूरे 520 तक ये इनका गोला आता है, और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और काफ़ी अच्छी जगह है और काफ़ी यूनिक जगह है, वो आप आगे वीडियो में देख ही लोगे, और इनका गोला कैसा है वो भी आपको टेस्ट करके बताएंगे। और हम शायद से ये 250 में से कोई एक लेंगे, फिर ये 100 में से कोई एक लेंगे, तो 2 या 3 गोला हम ज़रूर लेंगे, और फिर आपको बताएंगे कि क्या इधर आना वर्थ है कि नहीं। तो चलिए आप वीडियो में ऐसे ही बने रहे, और हमारी वीडियो पूरे एंड तक देखिए, क्योंकि हम लास्ट में भी हम फाइनल रिव्यू देते हैं। और ये यहाँ के ओनर है, और आपकी मेन ब्रांच राजकोट में? मेन ब्रांच हमारी राजकोट में है, उसके बाद हमारी हैदराबाद में एक ब्रांच है, हुबली कर्नाटा में एक ब्रांच है, मुंबई में 2 ब्रांच है, सूरत में 3 ब्रांच है, मोरबी में है, और अहमदाबाद में अपनी ये दूसरी ब्रांच है। अच्छा, अहमदाबाद में इनकी ये सेकंड ब्रांच है। हमारा आरओ होटल से हम बनाते हैं, और हमारा गोला यानी 365 है लोग खाने के लिए आते हैं। उसका रीज़न यही है कि हमारा आइस जो रहता है एकदम स्नो आइस रहता है, आप देखोगे तो एकदम स्नो आइस रहेगा हमारा। अच्छा, जैसे कि इनकी स्पेशलिटी है कि इनकी जो स्पेशलिटी आइस है, जैसे कि आप टच करते तो ये स्नो आइस है, ये लोकल के टाइम भी आप गोला खाओगे तो आपको गले में कभी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अच्छा, तो ये जो लोकल आइस होता है वो वाला नहीं? नहीं, बिल्कुल। अच्छा, तो ये हमको आज नए ये इस प्लेस की सबसे पहली खासियत कि जो इनका आइस है वो आर ओ से तो बनाते ही है, पर इनका जो पूरा आइस है वो स्नो आइस है, तो आपको खाने में वो जल्दी पिघलेगा नहीं, तो ये इनकी एक पॉजिटिविटी है और इनका प्लस पॉइंट है। जैसे कि आप देख सकते हो इनके 2-2 मशीन भी है, तो क्योंकि इधर काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, इन्होंने अभी 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 खोला है। पर आपको रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है अहमदाबाद में? रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है, ऐसे गोले हमको पब्लिक का रिव्यू है कि ऐसे गोले अभी तक हमने यहाँ पे अहमदाबाद में नहीं खाया अभी तक, यानी ऐसे नहीं। बराबर है, हमको भी ऐसा रिव्यू मिला था, इसलिए हम आज शूट करने आए कि ये अहमदाबाद में फर्स्ट टाइम ऐसा है कि इतना अच्छा फ्लेवर, इतना बेहतरीन फ्लेवर, इतना अच्छा हाइजीन, और इतना कुछ नया गोला में नया खाने को मिल रहा है। तो आप ज़रूर अहमदाबादी सब इधर विजिट करना। और अभी अंकल जी ये चौकोबोल का गोला बना रहा है पूरा। अच्छा, इससे सेप आ जाए पूरा, इसलिए। और ये जो आप जो कलर ये सब बना रहे हो वो फ्रेश ही बनाते हो? बिल्कुल फ्रेश आता है, और इसका
ये बनाने के लिए जो फ्लेवर बनाने के लिए जो मटेरियल आता है वो यूके से आता है। अच्छा, तो ये अभी नया हमको देखने को मिला कि इनका जो ये सब मटेरियल है वो यूके से डायरेक्ट मंगवाते हैं, और ये पार्सल भी कर, जैसे कि देख रहे हो ये किसी का चौकोबॉल है वो पार्सल हो रहा है। और ये क्या चीज़ है? ये मलाई है, मावा की जो मलाई आती है जो हमारी स्पेशलिटी है। अच्छा, उसके बाद ये मावा डालते हैं हम। अच्छा, फ्रेश मावा रहता है, और उसके बाद ये फ्रेश क्रीम रहता है। अच्छा, फ्रेश क्रीम रहता है। ये स्पेशल भवानी स्पेशल गोला है, इसमें ये दो टाइप के चॉकलेट के बोल भी रहते हैं। उसके बाद हम ये ड्राई फ्रूट डालते हैं जो हमारा रोस्टेड रहता है, इसमें एक गोले के अंदर 50 से 55 ग्राम ड्राई फ्रूट हम डालते हैं। अच्छा, इसमें खाली आलमंड और केशु ही रहता है। अच्छा, तो ये माप से डालते हो तो क्या है कि सबको? हाँ, एक जैसा ही रहे, रेसिपी सबको इक्वली मिले। हाँ, गार्निशिंग रहता है। अभी ये हमारा, हमने जो तीन गोला का ऑर्डर दिया है तो तीन गोला अभी हमारा बन रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो इनकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा है। फिर इनसे ये कप से पूरा शेप दे देते हैं। पहला वाला कौन सा बना रहे हो? ये आपका बन रहा है अपना हॉस्पिटल। अच्छा, तो हमने जो अपनी स्पेशलिटी है। ओके, आपका बना रोज पेटल में भी हमारा ये स्पेशल फ्लेवर है, इसमें रोज के जो वो मिल जाए एकदम थिक आता है, आप देख सकते हो ये हमारा एकदम थिक आएगा ये। अच्छा, जैसे कि आप देख सकते हो ये पूरा थिक है, वो लोकल कलर नहीं है, ये पूरा फ्रेश, और जैसे देख सकते हो कितना बढ़िया कलर आया है। और ये अभी हमारी मलाई है जो मावे की मलाई रहती है, इस तरह का मलाई डालते हैं। और ये कलर भी ऐसे ही मैंने देखा नहीं है शायद से, क्योंकि ऐसे मावा का कलर ऐसा होता नहीं है। ये क्या कुछ स्पेशल हम खुद ही बनाते हैं? अच्छा, स्पेशल मावा इसलिए ऐसा है और खुद ही बनाते हैं। ये जो है फ्रेश क्रीम है ये, जो फीकी रहती है। अच्छा, लेकिन ये भी एकदम थिक रहती है, आप देखोगे तो एकदम थिक आएगा यानी ये। और ड्राई फ्रूट में भी आप देखोगे तो इस तरह का हमारा कंपनी का पैकेट रहता है, जेबीजी का ही है, और इसमें 50 से 55 ग्राम हम एक पैकेट पूरा गोले में डाल देते हैं हमें से, उसमें खाली रोस्टेड और आलमंड और कुछ भी नहीं डालते इसमें, किशमिश टूटी फूटी ऐसा कुछ भी नहीं डालते हैं, स्टैंडर्ड चीज। ये आपका हो गया रोज पेटल्स रेडी। ये पूरा प्लेन गोला आएगा, ओनली फॉर आइस एंड सिरप, कैडबरी प्लेन गोला। इसके ऊपर जो फ्लेवर यूज करते हैं वो शरबत नहीं है, ये सिरप बोलते हैं, एकदम थिक रहता है, आप ये देख सकते हो एकदम थिक आएगा ये। प्लेन ऑरेंज गोला। ये चॉकलेट वाला है, कैडबरी वाला, जो 100 रुपीज़ का प्राइस है, और ये ऑरेंज वाला है, इसका भी प्राइस 100 रुपीज़ है। और आपने मेकिंग में भी देखा होगा कि इनका जो ये स्पेशल है रोज़ पेटल वाला, उन्होंने इसमें जो ये वाली जो ऊपर से जो इन्होंने जो ये रोज़ पेटल का पूरा जो डाला है वो बहुत ही थिक था। तो अभी मैं फर्स्ट बाइट लेता हूँ इनका। मुँह में जाते ही सबसे पहले उन्होंने जो इनकी जो स्पेशल जो मावा की जो पूरा इनका जो क्रीम था, एक तो क्रीम था उन्होंने डाला था, और उनका जो स्पेशल मावा की रबड़ी थी वो डाला था। सबसे पहले उनका बहुत ही स्पेशल स्वाद आ रहा है, बहुत ही बढ़िया स्वाद आ रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा स्वीट है, स्वीट भी मीडियम है, और स्वाद भी इनका बहुत ही बढ़िया है। और ये चॉकलेट है और ये ऑरेंज है। तो ये अभी ये जो दो है वो जो हमारा कैमरामैन डीजे रामीना है वो टेस्ट करके आपको बताएंगे। और ये आप देख सकते हैं ऑरेंज गोला है, पूरा ऑरेंज से पूरा भरा हुआ है कलर से सिरप। मैं आपको ट्राई करके बताता हूँ। वाह, एकदम रियल ऑरेंज का टेस्ट आ रहा है, एकदम खट्टा है। और जैसे कि उन्होंने आगे पहले बोला था कि इनका जो आइस है वो स्नो आइस है, वो रियल में एकदम सॉफ्ट है,
बहुत अच्छा है, आपको ज़रूर ट्राई करना है। और अभी मैं आपको कैडबरी गोला टेस्ट करके दिखाता हूँ। एकदम कैडबरी का टेस्ट आ रहा है, इनकी जो सिरप एकदम प्योर सिरप है, ठीक उन्होंने बोला था वैसी है और बहुत अच्छा टेस्ट है। चलिए तो अभी हम ये ख़त्म करते हैं, फिर आपसे फाइनल रिव्यू में बात करते हैं। चलिए तो अभी हमारा फाइनल रिव्यू देते हैं। हमने इधर तीन गोला मंगवाया। सबसे पहले इनका जो रोस्ट पिटाई वाला था, जो इनका स्पेशल गोला था, वो वाला मंगवाया। उसके बाद एक चॉकलेट यानी कैचबरी वाला मंगवाया। तीसरा था वो ऑरेंज वाला मंगवाया। तीनों में से हमको सबसे ज़्यादा जो पसंद आया वो ऑब्वियस बात है, इनका जो स्पेशल था वो वाला पसंद आया। और अगर आप छोटे बच्चे हो या उस एज के हो तो आपको वो वाले भी ऑरेंज, कच्ची गेरी, पाइनएप्पल, वो सब भी आपको पसंद आएगा। पर अगर आप हम जैसे यंगस्टर्स हो तो आपको इनका जो 250 वाला जो गोले की रेंज है वो सबसे ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि उसमें ड्राई फ्रूट भी आ जाता है, इनकी जो मावा है वो भी आ जाता है, और इनकी जो क्रीम है वो भी आ जाती है, तो सब कुछ वो आ जाता है। और इन जो सबसे अच्छी बात हमको इधर की ये लगी कि इनकी जो हाइजीन है वो, इनका हाइजीन बहुत ही बढ़िया है। और इनका जो बर्फ़ था, इनका जो आइस था, उनका जो जो छीन थी उनकी, वो डाइस वाली नहीं थी, स्नो वाली थी। तो इससे क्या है कि अगर मुँह में जाते पूरा घुल जाता था, वो भी एक बहुत ही बढ़िया बात थी। और इनका जो कलर था वो इनका घर पे बना हुआ था और होममेड फ्रेशली बना हुआ था, तो वो भी बहुत ही बढ़िया बात थी। तो अगर आप ये तीन चार पॉइंट कंसीडर करो और टेस्ट कंसीडर करो तो ये जगह बहुत ही अच्छी है। आप ज़रूर 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 इधर खाने को आना ही आना। जैसे कि ये गर्मी भगाओ सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो है, और ये सीरीज़ जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आप ये सीरीज़ में हम ऐसे फूड आइटम्स आपको दिखाएंगे कि आप खाते ही थोड़े बहुत उसी टाइम या उसके बाद थोड़ा बहुत आपको गर्मी में भी थोड़ा बहुत ठंडक का एहसास होगा। तो आप ज़रूर कमेंट्स बताना कि ये सीरीज़ आपको कैसी लगी, और आप इधर आके भी ज़रूर ये गोला ट्राई करना। चलिए तो फिर, और हाँ, आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाएगी। और अगर आपको इस टाइप का कंटेंट देखना पसंद है तो सबसे पहले हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने 4, 5, 10 सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अपने फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि हम फैमिली कंटेंट बनाते हैं, तो आप अपने फैमिली के साथ भी हमारी वीडियो को देख सकते हो। और आपकी स्क्रीन पे भी अभी हमारे इंस्टाग्राम का हैंडल और फेसबुक का हैंडल आ गया होगा, तो आप हमें वहाँ पर भी फॉलो करिए। और ये जो फूड सीरीज़ हमने नई चालू की है, गर्मी भगाओ सीरीज़, तो उसकी हफ्ते में एक वीडियो आएगी, और जो हमारी रेगुलर फूड रिव्यूज़ वीडियो है उसकी भी हफ्ते में एक वीडियो आएगी। तो हफ्ते में अभी से दो वीडियो आएगी। हम ऐसे भी हम हफ्ते में दो ही वीडियो डालते थे, एक सोमवार को और एक गुरुवार को, पर अभी गुरुवार या सोमवार को एक ये गर्मी भगाओ जब तक समर है और जब तक हमको ऐसा कंटेंट मिलता रहेगा तब हम वो डालने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो आप इस सीरीज़ में भी हमारे साथ जुड़िए, और साथ जुड़ने के लिए आप वो जो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दीजिए, जिससे हमारी चैनल की भी बहुत ज़्यादा मदद होगी। चले तो फिर मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में। टिल देन खाओ पियो जलसा करो, टेक केयर, बाय।